हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी बॉय एक्सपेरिमेंट। आज हम लोग आए एक नया टॉपिक के साथ, जो कि दिखाने वाले हैं एक शीशा की बोतल को कैसे बिना कटर के थ्रेड के धागे द्वारा काट सके। ओके, जो कि अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले एक बोतल चाहिए, जो कि हर एक दुकान पर अवेलेबल है, और इसके लिए एक सैनिटाइजर चाहिए, और इसके बाद धागा चाहिए, और एक लाइटर चाहिए, चाहे आप माचिस भी ले सकते हैं। फिर धागा को बोतल में लपेटनी है। अब बोतल को थ्रेड में लपटेंगे, जो कि ऐसे इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, और इसे लपेटनी है हल्की देर तक। अब देखिए, ऑलमोस्ट ये हो चुका है। अब इसे तोड़ दिए और इसे लपेट दिया। फिर इसमें आप सैनिटाइजर अप्लाई करेंगे। रुकना, आप देख सकते हैं, इसे बांध दीजिए इस तरह से। अब इसमें हम लोग सैनिटाइजर अप्लाई करेंगे, जो कि फ्लेमेबल होना चाहिए, और इसमें आप लोग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, जो बॉडी स्प्रे होता है उसे अच्छा तरह से मिला दीजिए। फिर इसके बाद इसमें आग लगा दीजिए। धर लिया, देखिए इस तरह से आग धर रही है अंदर अंदर। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से पेपर में आग धर रही है, जिस तरह से पेपर में आग धर रही है आप देख सकते हैं। इस तरह से बोतल में आग लगा देना है, और इसे 2 मिनट तक ऐसे जलाना है जब तक ये बुझ जाए। फिर से आप सैनिटाइजर डाल सकते हैं। इसलिए हम लोग बार बार चेक कर रहे हैं कि आग धरा है कि नहीं। आप देख सकते हैं आग तो धर चुका है। अब इसके बाद हमें इसे पानी में डालना है, जो कि ऐसे इस तरह से आप देख सकते हैं। डाल 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 दे, आप देखिए इसका आवाज़ सुन सकते हैं आप। डाल 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 डाल, ये देखिए आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही टूट गया, और आप देख सकते हैं उसे पूरा हीट करके पानी के अंदर डालना है। ये देखिए, आप इसे कट कर सकते हैं बिना कटर के थ्रेड से। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।